नमस्ते दोस्तों, मैं मीनाक्षी जैन सासू माँ की रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं लाजवाब पालक पनीर की सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी होती है। पालक में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, आयरन होता है और पनीर में भी फाइबर, ओमेगा 3 सब भरपूर मात्रा में मिलते हैं। तो आज हम उसी चीज़ का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, पालक पनीर। सभी लोग बनाते हैं पालक पनीर, लेकिन ये जो मैं रेसिपी दे रही हूँ, अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आप उंगली चाटते रह जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से पालक पनीर बनाएंगे, वो भी एक ढाबा स्टाइल से। तो चले पालक पनीर बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिया है 500 ग्राम पालक। लिया तो मैंने 800 ग्राम था, लेकिन साफ़ करने में 300 ग्राम चला गया। तो हम जो हैं इतनी डंडी लेंगे इसकी एक्स्ट्रा। कितने लोग आगे वाला हिस्सा लेते हैं, लेकिन इतनी डंडी एक्स्ट्रा लेनी चाहिए। डंडियों में बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें होती है। तो इसको हमने रफली चॉप कर लिया है और अब हम इसको धो के कुकर में चढ़ा देंगे और इसमें सिर्फ आधा कटोरी हम पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि नहीं तो हम बाद में पानी फेंक देते हैं। ये देखिए, हमने एक सीटी लगा ली है और हमारा पालक उबल गया है। ज़्यादा सीटी नहीं लगानी है, बस हल्का सा इसको एक सीटी लगा के हमको इसको उबालना है और अब हम इसको पीस लेंगे। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, पालक में ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो पानी हमको बाद में फेंकना पड़ता है, तो इसके पौष्टिक तत्व निकल जाते हैं। यहाँ पर हमने पहले आधा पालक लिया, अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच बेसन। जी हाँ, आप एक बार ये 2 चम्मच बेसन डाल के पालक बना के देखिएगा, बहुत ही गाढ़ा और प्लस इसके कलर नहीं जाएगा। जैसा पालक का ग्रीन कलर होता है, वैसा का वैसा रहेगा। ये देखिए, पहले हमने इतना पालक पीस लिया है और बाकी का पानी और पालक जो बचा था वो हमने दोबारा ऐसे 2 बार करके हमने इसको पीस लिया है। अब हम एक बर्तन में 1 बड़ी चम्मच भर के देसी घी लेंगे। अब हम इसमें जीरा और हींग डाल देंगे। बहुत ही इजी मेथड से बनाएंगे और एकदम ढाबा स्टाइल बनेगा। अब हम इसमें 1 बड़ा प्याज हमने बारीक बारीक काट लिया था और अब हम इसको देसी घी के अंदर यहाँ पर इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखिए, मंदी गैस पे भूनिएगा। हमको अच्छी तरह जो ये प्याज है इसको अच्छी तरह से पकाना है, गोल्डन ब्राउन कलर करना है हमको। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो बहुत अच्छा हमारा प्याज भून के तैयार होगा। देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है इसका। इसको हमको और अभी 1 से 1.5 मिनट और पकाना है। देखिए यहाँ पर प्याज हमारा भून गया है, लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। ये देखिए, टमाटर को भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो पीस भी सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो पालक का टेस्ट और डबल दुगना तिगना हो जाएगा। आपको टेस्ट खाने में मज़ा आ जाएगा। एकदम ढाबे स्टाइल से बनाएंगे आज हम, बहुत ही बढ़िया पालक पनीर बनेगा। यहाँ पर हमने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है और स्वाद अनुसार नमक। ज़्यादा मसाले का प्रयोग ना करके हम सिंपल मसालों से पालक पनीर बना के तैयार करेंगे। जब आप पालक को हमने पीसा है, उस टाइम पे आप अदरक और हरी मिर्च को भी साथ में पीस सकते हैं। अब हमने ये लिया है जो हम पाव भाजी को क्रश करने के लिए लेते हैं। इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से दबा दबा के इसको मैश करेंगे। आप चाहें तो कड़छी से भी इसको मैश कर सकते हैं। अब हम डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आता है, एक बार आप डाल के जरूर देखिएगा। बहुत बढ़िया इससे पालक पनीर का टेस्ट अच्छा आता है। ये देखिए, हमने इस तरह से इसको अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। ये देखिए, तेल छोड़ दिया है और हमारा मसाला बनके तैयार हो गया है। थोड़ी मेहनत लगती है इस तरह से, लेकिन बहुत ही बढ़िया इसका टेक्सचर आता है। और अब हमने जो पालक को हमने पीसा था, वो अब हम इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से इसको पकाएंगे। तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट आराम से पकाएं। ये देखिए, कलर एकदम एजिटीज है। कई बार होता है पालक का कलर कुछ अजीब सा देखने में आ जाता है पीसने के बाद, लेकिन इसमें हमने बेसन डाला है। ये इससे बहुत अच्छा, खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, साथ में इसका कलर भी एजिटीज रहेगा और गाढ़ा भी हो जाता है। कई बार पालक जो है पीसने के बाद पतला पतला हो जाता है, लेकिन इससे बहुत अच्छा होता है। और अब हम इसमें लगा देंगे ढक्कन, कोई भी लीड लगा दे, नॉर्मल प्लेट ढक दे। ये देखिए, मैंने इसलिए बोला था क्योंकि जब पालक बनाते हैं तो उछल उछल के इतना पूरी रसोई हमारी गंदी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर एक लीड लगा दी है और अब हमने गैस बंद कर दिया है। और ये देखिए, हमारा पालक बनके तैयार हो गया है। अब हम डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। आप चाहे तो गरम मसाला डालें, और अगर आपके घर पे किचन किंग मसाला है तो 1/2 चम्मच किचन किंग मसाला डाल दें।
ढाबे वाले किचन किंग मसाला ही डालते हैं, इसमें यूज करते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम डालेंगे पनीर। पनीर में भी फाइबर, ओमेगा 3 और हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसको हम तलेंगे नहीं, भूनेंगे भी नहीं, हम इसमें कच्चा पनीर डालेंगे ताकि हमारे फायदे पालक पनीर के भरपूर मात्रा में हम ले सकें। मुझे पनीर कम लग रहा है तो मैंने थोड़ा और पनीर डाला है कि भाई हम खा रहे हैं, टेस्ट के लिए भी खा रहे हैं और हेल्थ के लिए भी खा रहे हैं, तो पनीर मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है इसके अंदर। और देखिए हमारी सब्जी बहुत ही लाजवाब और यम्मी, आपको देखने से ही लग रही होगी, बहुत ही बढ़िया सब्जी बनके तैयार हुई है हमारी। बहुत आसान मेथड, कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा मसाले नहीं, खाली एक दो टिप आप फॉलो करें, जैसे कि आपने, मैंने बेसन बोला, टमाटर प्याज को बारीक बारीक कट करके भुनने के लिए बोला, अगर इस तरह से बनाएंगे तो आपका पालक पनीर बिल्कुल ढाबे स्टाइल से बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हो गया। चलो अब हम इसको सर्व करते हैं। ये देखिए, दिख रहा है आपको थिकनेस, मालूम चल रही है कितनी बढ़िया पालक की थिकनेस आई है। अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल पनीर के टुकड़ों से इस तरह से गार्निश कराया, साथ में मैंने 3 से 4 मैंने प्याज के छल्ले यहाँ पर लगा दिए ताकि देखने में भी सुंदर लगे हमारा पालक पनीर। एक बार इस मेथड से बना के देखिएगा, मुझे यकीन है आपके पूरे परिवार को पालक पनीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अगर आपको मेरे पालक पनीर की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइबर भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। मेरी पालक पनीर की रेसिपी देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।